जिंदगी एक खेल है, हम सब इस खेल के हिस्से हैं, और कभी कभी ही मालूम होता है कि इस जिंदगी से क्या चाहिए। फिर इस खेल में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम जिंदगी से कुछ चाहते हैं और जिंदगी हमसे कुछ और करवाती है। इसे आप हकीकत मानिए या कुदरत का खेल कहिए, इस खेल में हम सब बस खिलौना बनके रह जाते हैं, अपनी अपनी पहचान खो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। बेटा क्या अबू जान आप आज भी आ गए? आपको मालूम है साहब को मिलने वाले नहीं है? बेटी की निकाह है, दावत पे बुलाने आया हूँ, एक बार मिलवा दो यार, एक बार। वो मुबारक हो अबू जान, आप रुकिए मैं पूछता हूँ। अबू जान पानी दो। अब पानी पीने का वक्त नहीं आया। आजाद, आजाद बेटे, वो आजाद बेटे उठ गए क्या? मुनीर भाई आ रहे हैं सकीना की निकाह पक्की करने के लिए, जाके जरा गोश्त लेके आओ, पैसा इधर रखा है। आइए अबू जान, भाई साहब आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटी की निकाह मुबारक हो, लड़के ने बताया। हाँ बेटे, मोहल्ले के बड़े आदमी हो, सबकी घर की सलाह करते हो, दावत पे बुलाने आया हूँ। बड़ी बात अबू जान, आइए बैठ के बात करें। कुछ लेंगे अबू जान? कुछ नहीं बेटा, सकीना की निकाह है, आपकी मौजूदगी में दावत में अलग शान आएगी। इंशाल्लाह। गरीब आदमी हूँ बेटा, फिर भी दावत पे बुलाने के लिए खाली हाथ आना ठीक नहीं समझा, तो सकीना बेटी ने तुम्हारे लिए खीर भेजा है, लाजवाब की खीर बनाती है। वाह भजन, खीर। वाह सुभान अल्लाह, लीजिए। ओए सलीम, अबूजान के लिए कड़क चाय लेके आ रहे? नहीं बेटा नहीं। तो बोलिए अबूजान, सब खैरियत? खान बेटे, अब मेरा उम्र हो गया है, जिंदगी में सहारा ढूंढ रहा हूं मैं, और वो सहारा ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच गया हूं, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। एक दो तीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाई सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो मियां? वो मुनीर भाई आ रहे थे हमारे यहाँ सकीना बहन की निकाह के बारे में बात करने, तो बस गोश्त लेने जा रहा था। वाह भाईजान, चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। चलो। आज दावत पे खान साहब आ रहे हैं, भाईजान को दुबई में काम दिलाया ना, उसी वास्ते उनको बुलाया है। और भाईजान क्या सोच रहे हो जनाब? कुछ नहीं। चलो जमीर भाई, ये खान साहब कौन है? खान साहब पता नहीं तेरे को? नहीं। वो हम जैसे लोग के लिए फरिश्ता है, सही में उनकी पहुंच ऊपर तक है यार, बड़े बड़े लोग आते उन्हें मिलने के लिए, उनका डायरेक्ट दुबई से कांटेक्ट है। और सुनो, ऐसा कहा जाता है दुबई में उनका घर भी है, भाईजान को भी दुबई में उन्होंने ही काम दिलाया यार।
ऐसा सोचो कि कोई भी दुबई जाना चाहता है तो वीजा खान साहब है। वाह भाई, जमीर भाई। बोलो भाईजान। आपके भाई को दुबई में क्या काम मिला है? एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर का काम और पगार 50,000 महाना। माँ की, हाँ, सच्ची बोल रहे भाई? सच्ची भाई। और एक साल में भाईजान मुझे भी दुबई बुला लेंगे, तब तक उनका भी घर होगा उधर। क्या भाई, तेरी तो लॉटरी लगी है। सच्ची भाई। क्या सोच रहे हो मियाँ? कुछ नहीं, चलो। फिकर मत करो अबूजान, निकाह के लिए कर्ज चाहिए तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं हूं ना, तो सकीना का निकाह किसके साथ तय हुआ? हाँ, कैसा है मुनीर भाई? सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। मुनीर भाई पानी। शुक्रिया। सकीना बेटी वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या बोलूं मुनीर भाई, जब खीर बनाती है ना तो सारा मोहल्ले में उसका खुशबू फैलता। सही में। और कुछ लेंगे मुनीर भाई? अबूजान एक पान मिलेगा? हाँ जरूर बेटा, एक पान लेके आ। ठीक है अबू, ले लो। तो बोलो मुनीर भाई। तो अबूजान सीधा बात पे आएंगे, मैं जो कहने वाला हूँ थोड़ा गौर से सुनिए। आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र का मैं बहुत कदर करता हूं। आप तो वाकिफ हैं, लड़का खानदानी है और माशाल्लाह बेटी सकीना को बहुत पसंद करता है। माशाल्लाह। मगर मगर 5 लाख मांग रहे हैं। 5 लाख दहेज के वास्ते? दहेज के वास्ते? वो भी लड़के की नौकरी के लिए। 5 लाख? आप इस घर की हालत जानते हैं मुनीर भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? 5 लाख के लिए कहां जाएंगे, मजाक कर रहे हैं क्या आप? ना, मैं तो वाकिफ हूं घर के हालत से। बात सिर्फ 5 लाख का नहीं है अबूजान। तो बात घर की है। घर की? आपकी बड़ी बेटी नूर की। नूर की? जो शादी के बावजूद भी बच्चे के साथ आप ही के घर में रह रहे। क्या बात कर रहे हैं मुनीर भाई? ये माशारा उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना? आप कहना क्या चाहते हैं मुनीर भाई? वो अपने वालिद की घर रहती है, उसके शोहर ने उसको छोड़ दिया तो कहां जाएगी वो बेचारी, वो भी अपने मासूम बच्चे के साथ। क्या सवाल पूछ रहे मुनीर भाई, क्या यही इंसानियत है? अबूजान आप खामखा मेरे ऊपर। नहीं 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 मुनीर भाई, कुछ तो कीजिए मुनीर भाई। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ आपके और उनके बीच में। वो जो बात गुजारिश करते हैं मैं वही बात आपके सामने फरमाता हूँ, बस। मुनीर भाई कुछ कीजिए, मुनीर भाई मेहरबानी होगी। कोशिश कीजिए मुनीर भाई। मैं देखता हूँ बुजन, मैं चलता हूँ। अबूजान आपके पास ये घर है, इसे बेच दो या इसके ऊपर कर्ज लेके बेटी सकीना का शादी कर लो। मेरा बात मान लो, कम से कम सकीना का मुस्तकबिल नूर से अच्छा बन सकता है, आप समझ रहे हैं ना? कुछ सोचिए अबूजान, कुछ सोचिए। हाँ और तो बेटी नूर के बारे में जरूर सोचिए। अल्लाह हाफिज़। मैं पान लेके आता हूँ। क्या हुआ अबूजान, सब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक है। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना? मुझे अपने बच्चे के साथ वापस नहीं आना चाहिए था, कहीं और चली जाती मैं। अबू, माशाल्लाह खीर ने अम्मी की याद दिला दी। ख
खामोश क्यों अबुजान? बोलिया, क्या मदद चाहिए? क्या तुमने कभी लकड़ी के दुकान पे काम किया है? क्या अबुजान, क्या तुम्हें मालूम है मेरा घर, मेरी जन्नत ये कैसे बना? इसके पीछे क्या कहानी है तुम्हें मालूम है? आपके घर की कहानी सुन के मैं क्या करूं अबुजान? मैं जो ढूंढ रहा हूं वो इसी कहानी में छिपी है। इस उम्र में क्या ढूंढ रहे हो अबुजान? क्या आपने वो चिड़िया की कहानी सुनी है जिसने अपनी पहचान खो दी? अरे अब आप एक और कहानी शुरू कर दिया। क्या चाहिए आपको अबुजान? बेफिक्र पूछे ना। एक चिड़िया थी जो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी, इतना ऊंचा जहां से वो सारा दुनिया देख सके। उसे महसूस हुआ कि उसके घर वाले ने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन वो भूल गई कि वो पैदा हुई है जमीन पे रहने के लिए। ऊपर परिंदों को उड़ते देख के उसे बहुत घटन सा महसूस हुआ। न जाने उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आने लगे। बड़ी जिद्दी थी वो, किसी हाल ऊंचाई को छूना चाहती थी। बड़ी जिद्दी थी। ₹5 लाख मांग रहे हैं। बेटी नूर के बारे में जरूर सोचिए। मुझे अपने बच्चे के साथ वापस नहीं आना चाहिए था। आज पैसा इस घर की मजबूती पर दरार डाल रहा है। कि कोई भी दुबई जाना चाहता है तो वीजा खान साहब है, खान साहब है। आपके चिड़िया का पता नहीं, मगर इस खीर की मिठास ने मुझे उड़ा दिया। तो बोलिए अबुजान, तो फिर क्या वो चिड़िया उड़ा क्या? वो चिड़िया को ऐसा उस्ताद मिला जो सिखाने के बजाय पाना चाहता था। जब बेहद ख्वाहिशें दिमाग को कब्जा कर लेता है तो खुदा भी क्या कर सकता है। साहब, साहब मैं आजाद, अब्बूजान का बेटा। हाँ बोलो आजाद, इधर कैसे आना हुआ? साहब समीर बोल रहा था कि आप दुबई काम पे भेजते हो, और उसके भाई को भी आप ही ने दुबई भेजा था ना? हाँ तो साहब मुझे भी दुबई जाना है। साहब साहब मैं दुबई सच्ची में जाना चाहता हूँ। साहब हमारी घर की हालत तो आपको पता ही है। आजाद आजाद आजाद, दुबई, इस जगह में कुछ नशा है ना? ये सोना ऐशो आराम और पैसों की जगह है। तुम बहुत होशियार हो, सही फैसला किया। सोचो आजाद, अच्छे जगह रहने के लिए घर, शानदार गाड़ी और साथ ही साथ साइट इंजीनियर का काम। कितने लड़कों को भेजा है मैंने, सब उधर सोने में नहा रहे हैं, वापस आना ही नहीं चाहते। सोचो आजाद,
तुम्हारे जिंदगी भी बदल सकती है और तुम्हारे घर वालों का भी। मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूं पर जमीर ने बोला साहब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। देखो आजाद, दुबई जाना इतना आसान काम नहीं है, मुझे उधर से परमिशन लेटर लेना पड़ेगा और तुम्हारे पासपोर्ट और वीसा बनाना पड़ेगा और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट और कागजातों पे अपना दस्तखत करना पड़ेगा। ये सब मैं देख लूंगा मगर ये सब के लिए तुम्हें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। कितना साहब? 1 लाख आजाद, सिर्फ 1 लाख। क्या सोच रहा है बेटा? हाँ, वो तो तू 2 महीने में कमा लेगा, तब मुझे याद करेगा। कुछ नहीं साहब, शुक्रिया, मैं अबू से बात करके आपसे फिर मिलूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और आजाद? हाँ साहब। बड़ी बहन का नाम क्या बताया? नूर साहब। सुना है वो आपके साथ ही रहती है, चाहे तो उसको भी एक अच्छा काम दिलवा देंगे। हमारी घर के बारे में आपकी सलाह, बहुत शुक्रिया साहब, जरूर मैं अबू और नूर से बात करूंगा। खुदा हाफिज साहब। अबू जान, बहुत हो गया। हाँ, जानते हैं ना आप किससे बात कर रहे हो? खान साहब। और मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मुझे पहले से ही पता था कि आप इधर क्यों आए हो। देखिए, मैं सिर्फ एक एजेंट हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस। क्या बोल रहे हैं खान साहब? किसी को जबरदस्ती कहीं नहीं भेजा खान साहब, वो लोग आपसे मशवरा करके ही गए हैं। इसका इल्जाम आप मुझ पे नहीं डाल सकते हैं खान साहब। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम अच्छे आदमी हो, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, लेकिन उस दिन उस चिड़े का घर का क्या हुआ, आपको जरा भी खबर है उसका? अबू, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। आने वाले दिनों में आपको कुछ अहम फैसले लेने पड़ेंगे। आप फिक्र मत करो बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। भाईजान की बात पूरी सुनिए। हाँ अबू, मैं भी इस घर का बेटा हूँ और मैं भी कुछ जिम्मेदारियाँ लेना चाहता हूँ। अबू, आप और कितने दिन तक मेहनत करते रहोगे? समीर का भाई अब दुबई में रहता है और उसके पास अच्छा काम भी है, वो हर महीना अपना घर पैसा भेजता है अबू, और उसे दुबई खान साहब ने ही भेजा था। खान साहब? ये खान साहब कौन है? माशाल्लाह बड़ा आदमी है, अल्लाह की दुआ से वो हमें दुबई भेजने के लिए राजी हुआ है अब्बू। ये क्या बात कर रहा है बेटी, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, घर के बाहर रहना उसका मतलब जानते हो? वो भी पराए मुल्क में उनका गुलाम बन के। हाँ? अब्बू, आप अपने पुराने ख्याल से बाहर आइए, जिंदगी अब वैसे नहीं रही अब्बू, और हम वहाँ पे गुलामी करने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम वहाँ पे अच्छे काम पे जा रहे हैं अब्बू। मैं साइट इंजीनियर का काम करने वाला हूँ और नूर 5-स्टार होटल में। नूर को भी हद से ज्यादा बोले जा रहे हो, हमारी घर की बेटी बाहर जाके काम करे ये बिल्कुल नामुमकिन है आजाद, याद रखो। आप नहीं समझेंगे अब्बू। मुनीर भाई की बात आपको याद है कि नहीं? वो बात मेरी कान में अभी भी गूंज रही है, और नूर मेरी जिम्मेदारी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अब्बू जान। दुबई सोने का जगह है, हमारे सारे मुश्किलें दूर हो जाएगी। हर चमकदार चीज सोना नहीं होता, याद रखो। मैं सही में जाना चाहता हूं अबू जान, हमारे घर का मुस्तकबिल संवारना चाहता हूं, और यही इस वक्त सही है अबू जान। जरा सोचिए, ये घर बचेगा, बहनों की निकाह होगी, और नूर को भी एक अच्छी जिंदगी मिलेगी अबू जान। बस एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए अबू जान,
बस एक बार। ये लड़के को क्या हो गया है बेटी? हे खुदा, किसने इसके दिमाग में जहर भर दिया है? अब्बू, जहर भरे दिमाग में भी वो घर की भलाई ही तो सोच रहा है। बेटी, तुम जानती नहीं हो कि घर के बाहर रहना आसान नहीं है, वो भी पराए मुल्क में। आपको पता है किन किन हालातों से गुजरना पड़ेगा आप लोगों को? कुछ पता है? अब्बू, आप भी एक बार इसी मोड़ पे थे और तब अम्मी ने आपकी जिंदगी को संवारा, एक उम्मीद दी, एक मकसद दिया, और ये आपने ही हमसे कहा है। और वही उम्मीद अगर आजाद पूरी करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? और ये बताइए, बताइए अबू, मेरे बारे में क्या सोचा आपने? बताइए, मुझे कहाँ भेजेंगे? और फिर ये घर बेचकर सकीना की निकाह के बाद हम सब कहाँ जाएंगे? और फिर हमारे पास सलमा की निकाह के लिए बेचने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, खुद हमारे सिवा। क्या आप ये जानते हो कि वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है? ये मैंने कब सीखा? देखो अब, घुमा फिरा के बात मत करो। दावत पे बुलाने आए हो, बुला लिया। अब इजाजत है, जा सकते हो। हमारे ऊपर अल्लाह इख्तियार डाल देता है बेटा, और वही हुआ उस दिन हमारे साथ। मुझे तुम पे भरोसा है। ऐसा है कि वो कहानी में वो छिड़िया ही नहीं रहा, मेरा आजादी नहीं रहा। जो घुटन तुम महसूस कर रहे हो ना, वो मेरे हालत के आगे कुछ भी नहीं है। ये तूने बहुत गलत। मैंने कुछ नहीं किया कान से, सब कुदरत का खेल है। मैं तो सिर्फ मेरा हिस्सा निभा रहा हूं।
तुम्हें सुकून दे रहा हूं तुम्हारी बेहद ख्वाहिशों से। मेरी जिंदगी, मेरा घर सब बर्बाद हो गया। तुम ही वो शैतान हो जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और एक वालिद होने के नाते तुम्हें दूसरों के घर बर्बाद करते हुए मैं नहीं देख सकता। मेरा फर्ज निभा रहा हूं। हां खान साहब, मैं तो गलत कर रहा हूं, लेकिन खुदा ने इस कहानी को ऐसे ही खत्म करना चाहा। एक बात समझ लो, जब तक जिंदगी में नावाकिफियत, बदहाल और लालच रहेगा, ऐसी कहानियां होती रहेगी। कैसे हैं आप? सही कहते थे, हर चमकदार चीज सोना नहीं होता। जब से हम यहाँ आए हैं मुझे नूर की कोई बात पता नहीं चली। अबू वो कहाँ है, किस हालत में है मुझे नहीं पता। ये सोने का कान नजरों का धोखा है अबू, और हम जैसे लोग इसकी गुलाम बन जाते हैं। आप सही कहते थे अबू, मुझे आपकी बात माननी थी। हमारे साथ एक बड़ा धोखा हुआ है अबू, मुझे पता है कि आप मुझे और नूर को ढूंढ रहे होंगे और आप बहुत परेशानी में होंगे, पर मैं वापस नहीं आ सकता अबू। आप सकीना और सलमा की ख्याल रखिए और हमारी फिक्र से आजाद हो जाइए। खुदा हाफिज। Slavery has been the second oldest illegal profession in the world after prostitution. Millions of people from the third world countries are being shipped to countries in the Middle East. Many families like Azad's have been destroyed due to the selfish desires of people. Slavery is not abolished in this world. It has just become invisible to us. If the world continues in this way, only death can be the freedom from slavery. और हमको अभी तक 250 रुपये मिला है, जो खाया था उसको भर दिया है। पैसे मेरे पास नहीं है, हमें इंडिया आना, किसी तरह बुला लीजिए। हम बहुत तकलीफ में,